नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि फरवरी मंथ के अंदर जो हमारा सॉरी जनवरी मंथ जो चल रहा है अभी हमारा, इस मंथ के अंदर हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं, मार्केट की चाल क्या रह सकती है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मंथली टारगेट्स, नॉट अबाउट द वीकली टारगेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप लोग आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो ये समझ के चलिए कि यहाँ पर मंथली टारगेट्स की बात हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो भी टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं वो आपका सुबह कल उठते के साथ ही मॉर्निंग में ही अचीव हो जाएंगे या इस एक दो हफ्ते में अचीव हो जाएंगे। तो ये टारगेट जो आपको दिए जा रहे हैं मंथली टारगेट्स हैं, हो सकता है इसमें आपको टाइम लगे अचीव होने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर इस वीडियो को देखकर कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट का एक ट्रेंड क्या चल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मेरा प्रॉमिस रहता है आप सभी लोगों को कि हर वीडियो के अंदर जो भी मेरा अभी तक वीडियो रहता है, हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आपको नया सिखाना बनता है। तो आज की वीडियो के अंदर भी आप सीखेंगे जरूर, अगर आप लास्ट तक जरूर देखेंगे तो, और मैं किस तरीके से टारगेट निकालता हूँ वो सब चीज़ आप सीखेंगे, मैं अपने रूल्स क्या फॉलो करता हूँ वो सब चीज़ आप सीखोगे आप। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे आती है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ईमेल या ऐप के ऊपर मिल जाए दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी है कि 9th जनवरी से अभी मतलब 4 से 5 दिन बाद एक नया बैच, मतलब डिमांड थी लोगों की कि उनको ऑप्शन चेन सीखना है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन का कोर्स जो है वो मैं तकरीबन ऑल्टरनेटिव मंथ्स के ऊपर लेकर आता रहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर अपने चैनल के ऊपर केवल और केवल ऑप्शन ट्रेड की ही चर्चा करता हूँ, ऑप्शन चेन की ही चर्चा करता हूँ, और मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से ही ट्रेडिंग करता हूँ। तो जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं, 11,000 रुपीज फीस होगी। 11,000 रुपीज इज अ फीस विच इज वेरी मच चीप टू लर्न द ऑप्शन चेन। आप समझिए, ऑप्शन चेन को समझने के लिए 11,000 रुपए की फीस इज वेरी चीप, मतलब बहुत सस्ती है वो। अगर आप इस फीस को कंपेयर करेंगे कहीं और जाकर, कहीं पे भी कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर आपको पूरा बाल्की खाल निकालना सिखाया जाएगा ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर, और मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ अपने ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर वो भी आपको सिखाऊंगा। ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी सिखाई जाएंगी जिसके अंदर आपको मिनिमम लॉस हो सकता है और मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, अगर आप जान सकें, अगर आप क्या कहते हैं जान पाएंगे वो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कैसे यूज करनी है, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 11,000 रुपीज फीस है, जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है वो, व्हाट्सएप पे आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आप उस कोर्स को करेंगे, 1 महीने का कोर्स है पूरा, शाम को क्लासेस होंगी, 8 से लेके 9:30 बजे तक की क्लास होगी, 5 क्लास होंगी एक हफ्ते में, पूरा 1 महीने तक चलेगा। उसके अंदर डाटा एनालिसिस कैसे की जाती है, डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर आप किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हो, ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, तो 1 महीने तक पूरा आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद 2 से 3 महीने तक मैं आपको आपके साथ बैकअप के अंदर रहूंगा, ताकि आपको पूरा का पूरा जो भी चीज सिखाई गई है उसके अंदर आपको पूरा का पूरा समझ में आता रहे, और उसकी प्रैक्टिस जो है आप 2 से 3 महीने अगर कर लेंगे तो शायद आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे मार्केट के अंदर, और आप भी उसी तरीके से मार्केट को देखना शुरू कर सकते हैं जिस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूं। चलिए दोस्तों, ये तो हुई बात कोर्स की, जिसको एनरोल करना है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपना नाम दे सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। 11,000 रुपीज फीस रहेगी, 9th जैन से कोर्स है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जनवरी मंथ की। हमने आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमने दिसंबर मंथ के जो टारगेट दिए थे, मंथली टारगेट जो दिसंबर मंथ के दिए थे, वो आप खुद चेक कर सकते हो कि वो टारगेट हमारे अचीव हुए या फिर नहीं हुए। ठीक है, और हमने आपको बताया भी था कि
एक मिनट रुकिए, वो वीडियो चेक कर लेते हैं कहाँ पर है। ये यहाँ पर ये वाली वो वीडियो है, आप इस वीडियो पे क्लिक करके चेक कर सकते हो दोस्तों। और ये 7 दिसंबर को वीडियो पोस्ट हुई थी, इसमें बताया गया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या टारगेट्स रह सकते हैं और लॉजिक बताए गए थे प्रॉपरली। और मंथली टारगेट हमारे अचीव दिसंबर में भी हुए थे, उसके पहले नवंबर मंथ के अंदर भी हमारे टारगेट अचीव हुए थे मंथली वाले। और आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी मंथ के टारगेट। दोस्तों चलो चलते हैं फटाफट से। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे जनवरी मंथ के, उसको समझने से पहले हम कुछ सिचुएशन समझ लेते हैं कि मार्केट की सिचुएशन अभी चल क्या रही है, कौन सा प्लेयर क्या चीज करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर 4 टाइप के प्लेयर होते हैं, ठीक है। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, आप सभी जानते हैं रिटेल ट्रेडर्स, आप हम या फिर जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो सब रिटेल ट्रेडर्स के अंदर आते हैं। एक होते हैं एफआईआई, तो एफआईआई कौन है भाई, सिंपल सी बात है, एफआईआई वही है जो विदेशों से पैसा लेकर आते हैं और हमारे जो मार्केट है उसके अंदर वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तीसरे होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, जो कि हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए और आपके क्या कहते हैं बैंक बैंक्स हो गए, आपका इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बहुत सारे होते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल जो पैसा लेके आते हैं, मोटा पैसा लेके आते हैं, लेकिन वो होते हमारे देश के ही हैं, तो उनको बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। और चौथे हो गए प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, यानी कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं और जिनको तजुर्बा होता है और जो अच्छे खासे अमाउंट से ट्रेडिंग करना जानते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, उनको बोला जाता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप के ट्रेडर होते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर टारगेट निकालने से पहले कि करंट मार्केट जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है और वो करना क्या चाहता है, ताकि हमको ये समझ में आ सके कि मार्केट की एक्चुअल सिचुएशन अभी फिलहाल में है क्या, ताकि हम एक ट्रेंड के अंदर बरकरार रह सकें, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हमको यहां पर अपनी पोजीशंस वाली शीट को देखना होगा। दोस्तों अभी आपके सामने पोजीशन वाली शीट खुल के आएगी, तो उसके अंदर आपको चारों प्लेयर्स के डाटा मिल जाएंगे। जो भी चारों प्लेयर मैंने आपको आपके नाम बताए, वो चारों प्लेयर के डाटा आपको मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा वो, ठीक है, जो डाटा है। और मैंने काफी एनालिसिस की है उसके ऊपर और आपको भी बड़ा मजा आएगा, और ध्यान से समझिएगा, पूरा समझिएगा, तब जाके आपको फायदा पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये वो शीट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोप्राइटर्स, एफआईआई, डीआईआई और क्लाइंट, ये चारों का डाटा यहाँ पर है और आप समझिएगा कि यहाँ पर कितना आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट की सिचुएशन अभी ऊपर क्यों जा रही है और कौन इंसान फायदा उठा रहा है और कौन इंसान यहाँ पर पैसा कमा पा रहा है और कौन यहाँ पर लूज कर रहा है मार्केट जब ऊपर जा रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्लाइंट्स का डाटा है, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्लाइंट्स का डाटा है, चलिए हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं प्रोपराइटर्स से और एफआईआई से। देखिए लड़ाई जो होती है ना मार्केट के अंदर, समझिएगा कि मार्केट जो चलती है वो चलती है सिंपली बेसिकली एक ही बंदे के हिसाब से, और वो बंदा कौन है, वो है एफआईआई, उसके हिसाब से ही मार्केट चलती है हमेशा। दूसरी चीज कि डीआईआई जो होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एफआईआई को। तीसरी चीज कि जितना भी लॉस करता है वो 90%, 95% जो एक साल के अंदर जो दिन होते हैं, केवल 5% ऐसे दिन होते हैं जब रिटेल ट्रेडर फायदा करता है, अदरवाइज 90 से 95% जो एक साल के अंदर दिन काउंट होते हैं वो सारे के सारे दिन रिटेल ट्रेडर लॉस करता है। तो यही इस मार्केट की सच्चाई है, ये हमको समझना पड़ेगा और ये लॉजिक है। इस लॉजिक को अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि मैं हमेशा से ट्राई करता हूँ, फॉलो करता हूँ केवल और केवल एफआईआई के डाटा को। तो एफआईआई का डाटा हमको क्या कहता है वो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक डेट बताता हूँ मैं आपको, देखिए एफआईआई जो है, ये डाटा है एफआईआई का, ये नेट पोजीशंस हैं फ्यूचर्स की, जो उसके ऑन हैंड पोजीशंस हैं। ध्यान से समझिएगा
लास्ट टाइम जब नेगेटिव ऑनहैंड पोजीशंस थी किसकी, एफआईआई की, फ्यूचर्स के अंदर। फ्यूचर्स की पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों मार्केट को ड्राइव करने के लिए, समझिएगा इस चीज को, कि जब भी लास्ट टाइम जब आपका फ्यूचर्स नेगेटिव में ऑन हैंड पोजीशंस कैरी करके गया था एफआईआई, वो डेट कौन सी थी दोस्तों? वो डेट थी, वो आप खुद चेक कर सकते हो यहाँ पर, 30 अक्टूबर थी। ठीक है, इसके दोस्त यहाँ पर हैवी पोजीशंस थी, हैवी तो नहीं थी, स्लाइटली थोड़ा सा हैवी मान सकते हो आप, 25,000 पोजीशंस थी मात्र, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद उसने उन पोजीशंस को क्लोज करना शुरू किया और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुआ 5 नवंबर से एफआईआई कन्वर्ट हुआ पॉजिटिव में। ठीक है, और आप खुद चेक कर सकते हो, उसके बाद आप पर डे 4 नवंबर से, उसके बाद आप पर डे यहां से लेके पूरा आप ट्रेंड चेक कर सकते हो कि एफआईआई किस ट्रेंड में बैठा हुआ है। ठीक है, किस ट्रेंड में बैठा हुआ है एफआईआई खुद चेक कर सकते हो। और यहां से तकरीबन 4 नवंबर से मार्केट में एफआईआई की जो पोजीशंस हैं वो केवल और केवल कौन सी हैं, बुलिश पोजीशंस हैं, स्पेशली इन फ्यूचर्स। और ये दिसंबर की पोजीशंस जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है एफआईआई के बुलिश में ना बैठा हो। आज की अगर करंट मार्केट सिचुएशन देखें, 5 जनवरी की पोजीशंस देखें, तो एफआईआई के हाथ में ऑन हैंड पोजीशंस जो उसकी हैं वो 77,000 हैं, जो कि काफी बुलिश मानी जाती हैं। तकरीबन जो भी पोजीशन 75,000 से ऊपर होंगी एफआईआई की ऑन हैंड, चाहे वो बेयरिश हो चाहे वो बुलिश हो, वो हमेशा मानी जाती हैं, एक बुलिश ट्रेंड का माना जाता है। और आप सब देख ही रहे हो डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर कि फ्यूचर्स के अंदर एफआईआई की जो पोजीशंस हैं वो तकरीबन आपका 4 नवंबर से बुलिश है एफआईआई। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज कि अब हम बात करते हैं, ये तुमने बात कर लिया ट्रेंड ऑफ एफआईआई। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर क्लाइंट्स की। तो क्लाइंट्स चेक कर लेते हैं, क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स। आप खुद चेक करिए यहां पर जो प्रीवियस ट्रेंड था वो पॉजिटिव ट्रेंड था, किसका, क्लाइंट्स का। ठीक है, बीच में वो अक्टूबर में थोड़ा सा बेयरिश हुए थे। ठीक है, तो वो बेयरिश कब से है आप ये समझिए कि पहले तो वो लोग क्या कहते हैं, ये नवंबर का डाटा है दोस्तों। ठीक है, और उसके पहले का डाटा भी आप चेक कर सकते हो, वो बुलिश थे, बीच बीच में बुलिश, बीच बीच में बेयरिश। तो मतलब वो मतलब यहां पर आप चेक कर सकते हो, यहां से 14 सितंबर से वो बुलिश थे। ठीक है, सितंबर मंथ तक, और धीरे धीरे वो अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हुआ उनका बेयरिश होना। आप खुद चेक कर सकते हो कि उनकी पोजीशंस यहां पे 7 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर से वो बेयरिश होने शुरू हुए। ठीक है, और वो उन्होंने क्या किया कि अपनी बुलिश, बीच में फिर वो बुलिश हुए, आप चेक कर सकते हो 28 अक्टूबर से फ्यूचर्स के अंदर। तो मतलब उनका कोई ट्रेंड तो होता नहीं है, कभी वो नीचे कभी वो ऊपर, हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आप खुद चेक कर सकते हो डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर, 9 नवंबर से उनका एक कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर एक बायस बन गया, किसका, रिटेल ट्रेडर्स का। क्या बायस बन गया माइंड के अंदर, वो चेक कर सकते हो आप कि 9 नवंबर से देयर पोजीशंस ऑन हैंड आर एक्चुअली कितना, 9 नवंबर से नेगेटिव। यू कैन सी पूरा नवंबर वो नेगेटिव रहे हैं, एंड नाउ यू कैन सी इन द दिसंबर मंथ ऑल्सो, दिसंबर मंथ का डाटा है वो पूरा का पूरा डाटा नेगेटिव ही है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। और आज का डेट यानी कि जनवरी मंथ शुरू ऑलरेडी हो चुका है और 3 दिन उनका नेगेटिव डाटा है। तो इट मीन्स पैसा कहां से कहां जा रहा है, पैसा मार्केट ड्राइव कौन कर रहा है फिलहाल, नवंबर मंथ की स्टार्टिंग से एफआईआई ड्राइव कर रहा है। पैसा कहां से कहां जा रहा है, एफआईआई की जेब में जा रहा है। कहां से जा रहा है, रिटेल ट्रेडर्स के यहां से जा रहा है। अब हम चार्ट पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कौन यहां पर बुलिश है और कौन यहां पर बेयरिश है, कब से है, डेट भी मैंने आपको दिखा दिया, डाटा पॉइंट्स आपको प्रूव भी कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर कि 3 नवंबर से जब से बुलिश होना शुरू हुआ है मार्केट में, कौन, एफआईआई, तब से मार्केट की कंडीशन क्या है। ठीक है, थर्ड याद रखिएगा, डेट जो है मैंने आपको चेक करा दिया है,
3rd of November से आपका FII बुलिश होना शुरू हुआ है और 9th of November से आपका रिटेल ट्रेडर बियरिश होना शुरू हुआ है। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, और पूरा का पूरा डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ, तो आप खुद चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 9th of November हम चेक करते हैं, ठीक है, तो तकरीबन आपका 29th आपका नीचे आप डेट चेक कर सकते हो, ठीक है, तो ये 3rd ऑफ आपका यहां से, ठीक है, तो यहां से ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको अपने चार्ट के ऊपर मैं लेके आया हूं, आप खुद चेक कीजिए, ये जो डेट थी 3rd of November, यहां से FII बुलिश होना शुरू हुआ है। लेवल कौन सा है? 11,800 का लेवल, 11,800 का लेवल है। तब से FII ने केवल और केवल बुलिश ट्रेंड अपनाया हुआ है, कोई शॉर्ट नहीं है FII की तरफ से। डाटा हम चेक कर चुके हैं उनके फ्यूचर्स का, और आप खुद चेक कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कितना बेहतरीन तरीके से, नवंबर के अंदर अंदर मार्केट 11,800 से आपका 12,000 पूरा, क्या कहते हैं, आप चेक कर सकते हो, नवंबर मंथ के अंदर जो क्लोजिंग हुई थी वो तकरीबन 13,000 पे हुई थी, तकरीबन 1200 पॉइंट मार्केट ऊपर भागा था। दिसंबर मंथ की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 13,000 से स्टार्टिंग हुई थी, और दिसंबर मंथ की जो क्लोजिंग हुई है वो खुद चेक कर लो 14,000 पे क्लोजिंग हुई है, और अब जनवरी मंथ की जो शुरुआत हो चुकी है वो 14,000 से ही शुरुआत हुई है। और अब मुझे ऐसा लगता है, घबराइएगा नहीं सुन के, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अब जो जनवरी मंथ की जो क्लोजिंग होगी वो 15,000 के आसपास होगी। इंग्लिश में बता देता हूं कि 1,000-15,000 के आसपास मुझको ऐसा लगता है निफ्टी की क्लोजिंग जनवरी मंथ की होगी। उसके पीछे के कुछ और रीजंस हैं, वो भी हम तलाश कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल एक अंदेशा बता रहा हूं, अभी हम इसको कंफर्म भी करेंगे, कुछ लॉजिक और पकड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं केवल और केवल निफ्टी का एक टारगेट आपको सेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने डाटा चेक कर लिया है, अभी हम चेक कर लेते हैं कि अब मार्केट के अंदर क्या वॉल्यूम है जो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि ऊपर लेकर जाने के लिए देखिए नवंबर मंथ के अंदर यहां पर वॉल्यूम आया था। अगर आप चार्ट के ऊपर आएंगे, देखिए वीडियो लंबी होती है वीडियो, लेकिन आपको लर्निंग प्रोवाइड करती है। चार्ट के ऊपर आते हैं तो हमारा चेक कर सकते हैं हम लोग के नवंबर मंथ के अंदर यहां पर वॉल्यूम आया था, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर चला गया था, ठीक है। आपका यहां पर जो है कुछ दिन सेल ऑफ रहा, ठीक है, कुछ दिन सेल ऑफ रहा, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर जो बीच बीच में इन्वेस्टमेंट हुई, मतलब विदाउट वॉल्यूम तो नहीं कह सकते, एवरेज वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे काउंट, इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम काउंट करता हूँ, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम आप खुद चेक कर सकते हो कि यहां से 2 नवंबर से वॉल्यूम काफी ऊपर नीचे हुआ, ऊपर नीचे हुआ, अल्टीमेटली दिसंबर के लास्ट में वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया, ठीक है, वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया। और 20 दिसंबर के बाद जब 25 यहां पर 20th डेट भी लिखा हुआ आएगा, 22 दिसंबर के बाद से जब वीक ऑफ हो जाता है, आखिरी में क्रिसमस का वीक शुरू हो जाता है यूएस में, जब हमारे FII इनएक्टिव हो जाते हैं, तब ये थोड़ा सा क्या कहते हैं वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। लेकिन अब आप जो खुद चेक कर सकते हो, तकरीबन 1 जनवरी से अपना वॉल्यूम दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो यानी कि उनका अगर कंसिस्टेंटली देखें तो यहाँ पर इस पीरियड टाइम पीरियड को निकाल दें अगर हम, तो आपका जो वॉल्यूम है वो आपका 16 दिसंबर से इंक्रीज होना शुरू हो चुका है एवरेज वॉल्यूम, ठीक है। तो तकरीबन दिसंबर से उनकी इन्वेस्टमेंट चालू है इसी वजह से, और जनवरी में आप चेक कर सकते हो कंसिस्टेंटली 1 जनवरी से उनका वॉल्यूम इंक्रीज ही इंक्रीज हो रहा है। एंड यू कैन सी मार्केट 3rd नवंबर से मैंने डाटा लिया है वॉल्यूम का भी, एंड यू कैन सी के 3rd नवंबर से जब से आपका FII बुलिश होना शुरू हुआ है, 11,800 से तकरीबन 12,000 का लेवल आप लगा लो मोटा मोटा, कि 12,000 के लेवल से मार्केट 14,000 ऑलरेडी 200 आ चुका है, 2200 पॉइंट की रैली दिखा चुका है, और इसी लेवल यानी कि 9th of November से, ठीक है, 9th of November से ही, मतलब 12,000 के लेवल से ही आपका रिटेल ट्रेडर केवल और केवल शॉर्ट 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 यानी कि सेल करना है, मतलब बियरिश मार्केट बियरिश मार्केट बियरिश मार्केट, केवल और केवल यही उसके माइंड में
चल रहा है और आज की रेट में भी यही चल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट का ट्रेंड कब से चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, ये मार्केट की रैली कब, कैसे, मतलब यहाँ पर ये रैली आई इतनी और क्यों आई, और क्या कहते हैं यहाँ पर कौन लेकर आया इस रैली को, FII लेकर आए, मैंने आपको प्रूव किया डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। इसमें नुकसान किसको हुआ, केवल केवल रिटेल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ क्योंकि वो बेरिश बना के बैठे हुए हैं पोजिशंस, और क्या कहते हैं फायदा किसको हुआ, यहाँ पर FII को फायदा हुआ, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल सिचुएशन यही है कि आपको, मैं आपको सिंपल सी बात है यही बता रहा हूं कि आप FII के साथ चलेंगे तो आपको लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आप चलेंगे क्या कहते हैं केवल और केवल आपका रिटेल ट्रेडर के हिसाब से, डाटा देखेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि आपको समझ में ही ना आए कि मार्केट की सिचुएशन एक्चुअली में चल क्या रही है। तो आपको दो लॉजिक समझ में आ गए हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम भी यहाँ पर पूरा है और पोजिशंस क्या है वो भी आपको यहाँ पर समझ में पूरी की पूरी आ चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज हमने पकड़ लिया। अब तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है हमारी, हमारी तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, तीसरा लॉजिक क्या होता है हमारा इंपॉर्टेंट, हमारा इंपॉर्टेंट होता है एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, ठीक है। अगर हमको देखो सारा लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे और प्रूफ भी कर रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कोई हवा में तीर मार रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं आपको एवरीथिंग, दोनों लॉजिक बताए, वॉल्यूम बताया, पोजीशन बताई, दोनों अप्रूव कर दिया मैंने, डेट भी बता दिया किस दिन से क्या चल रहा है। अब तीसरा लॉजिक जो है हमारा वो है एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, ठीक है। यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो में अगर हम आएंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे ऑल मार्केट रिपोर्ट्स की, यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की यहाँ पर लिस्ट होती है, आप खुद चेक कर सकते हो कि एडवांस टू डिक्लाइन जब से FII यहाँ पर बुलिश होना शुरू हुआ है, ठीक है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो, 3 नवंबर से FII बुलिश होना शुरू हुआ है 12,000 के बाद से, आप खुद चेक कर सकते हो नवंबर मंथ के अंदर एडवांस यहाँ पर ज्यादा है, डिक्लाइन कम है। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बाइंग की जा रही है स्टॉक्स के अंदर। और दूसरी चीज कि यही सेम आपका रेशियो जो है बरकरार रहा दिसंबर मंथ के अंदर भी, ठीक है। 1.30 1.25 रेशियो इज गुड रेशियो, इट मींस के एडवांसेस ज्यादा हैं, एडवांसेस मतलब के स्टॉक्स के अंदर जो बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं वो ज्यादा हैं, डिक्लाइन मतलब जो गिरने वाले स्टॉक्स हैं वो कम है, कब से, नवंबर मंथ से, और नवंबर मंथ से ही मार्केट का हाल क्या हुआ है, बुलिश होना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि रैली डाटा पॉइंट्स को सपोर्ट कर रही है और FII वहां पर बाइंग कर रहा है इक्विटी के अंदर। आई होप आप समझ गए होंगे तीसरा लॉजिक भी। और आप अगर करंट मंथ का देखेंगे, जनवरी मंथ का देखेंगे, तो आप अभी क्योंकि 2 से 3 दिन ही हुए हैं, ठीक है, तो आप इस एडवांस टू डिक्लाइन के एवरेज को आप काउंट कर सकते हो ऑन पर डे बेसिस, ठीक है। तो अभी इसका डाटा अभी तक नहीं आया है, लेकिन पिछले 2 महीने का डाटा यही बता रहा है आपको कि भाई आसानी से आप पता लगा सकते हो कि मार्केट की सिचुएशन क्या रही है, ठीक है। तो हमने 3 लॉजिक पकड़ लिए और तीनों के तीनों लॉजिक यही बता रहे हैं कि ट्रेंड जो है वो अपसाइड ट्रेंड है, ठीक है। अब हम चौथा लॉजिक पकड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, फोर्थ लॉजिक पकड़ते हैं। हम एक एक लॉजिक को समझ रहे हैं, सीख भी रहे हैं और लॉजिकली बात भी कर रहे हैं। चौथा लॉजिक क्या है, चौथा लॉजिक है दोस्तों यहां पर प्री बजट रैली। आई होप आप इससे अवेयर होंगे अगर आप मार्केट के अंदर बरकरार हैं तो काफी सालों से, अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी इवेंट जब आता है, ठीक है, कोई भी इवेंट जब आता है तो एक रैली आती है। उस मतलब होता क्या है कि कोई भी एक बड़ा इवेंट आता है जो कि पूरा कंट्री वाइज इकोनॉमी वाइज एक बड़े लेवल का इवेंट होता है ना, तो उससे पहले एक रैली आती है, ये मार्केट का एक बिहेवियर होता है। अगर हम यहाँ पर इसको भी अगर हम बैक टेस्ट करें तो हमारा जो लास्ट रैली थी वो तकरीबन 1 फरवरी को ही थी, ठीक है, पिछले मंथ की रैली थी, 1 फरवरी को रैली थी, पिछले 1 फरवरी, देखते हैं कहां पर है डेट वो, एक मिनट रुकिए चेक कर लेते हैं, 1 फरवरी
2020 का डाटा जो है इकतीस जनवरी ओके। तो दोस्तों यहां पर जो है, एक मिनट कि आई डोंट नो, मुझे अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब लास्ट टाइम जो बजट अनाउंस हुआ था वो चेक कर लेते हैं कि वो डेट कौन सी थी। मुझे इतना याद है कि वो सैटरडे को अनाउंस हुआ था लास्ट टाइम, लास्ट ईयर जब अनाउंस हुआ था। डेट मैं कंफर्म करूंगा पहले, तभी मैं आप डाटा पॉइंट्स जो कि गलत नहीं होने चाहिए ठीक है हमारे, तो इसलिए मैं डेट को कंफर्म जरूर करूंगा दोस्तों ठीक है। तो यहाँ पर मैं फरवरी के अंदर ही आता हूँ, और फरवरी को क्षमा चाहिएगा, क्षमा करिएगा मुझे, मैं डेट भूल रहा हूँ। लेकिन हाँ, सैटरडे को अनाउंस हुआ था बजट, उस वक्त हमने प्रॉफिट भी कमाया था, मुझे याद है वो दिन ठीक है। तो सैटरडे को 1 फरवरी को हुआ था ठीक है, 1 फरवरी को हुआ था हमारा बजट जो अनाउंस था, क्योंकि वहां पे सैटरडे दिखा रहा है। क्लियर? तो मुझे क्लियर हो गया है। तो 1 फरवरी का यहाँ पे चार्ट ही नहीं है, आई डोंट नो वाई, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर चार्ट तो अवेलेबल नहीं है, दूसरे ट्रेडिंग उस पर प्लेटफॉर्म पे होगा चार्ट, तो आप चेक कर सकते हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि बजट या फिर कोई भी इवेंट जब भी होता है ठीक है, वहां पर मार्केट चाहे नीचे के लेवल पे हो, उसको ऊपर के लेवल के ऊपर लाया जरूर जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन यही है कि कोई भी इवेंट, चाहे वो हमारा अभी यूएस इलेक्शन हुआ ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। दूसरी चीज कि हमारा चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के इलेक्शंस हो, इंडियन इकोनॉमिक्स के इलेक्शन हो ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के इलेक्शन हुए, चाहे वो बजट हो ठीक है, मतलब जो साल में एक बार होता है ऐसा कोई एक इवेंट जो कि बहुत फिक्स्ड होता है, तो वहां पर क्या होता है कि उस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए वहां पर एक रैली जनरेट की जाती है जानबूझकर, और वहां पर उस रैली के अंदर पार्टिसिपेट कौन करते हैं, वो रैली बड़े प्लेयर्स के द्वारा ही जनरेट की जाती है। दूसरी चीज, अब उस रैली के बाद क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब एक प्री बजट रैली अगर अपसाइड आई, तो ये जरूरी नहीं कि वो बजट वाले दिन या बजट के बाद भी वो अपसाइड क्या कहते हैं ट्रेड करती ही रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, प्री बजट या प्री इलेक्शन रैली या फिर प्री बजट रैली या फिर कोई भी प्री इवेंट रैली हमेशा आती है, ये मार्केट का बिहेवियर है और ये चौथा लॉजिक है। तो अभी पूरा का पूरा 1 महीना बचा हुआ है, और पूरा 1 महीना बचा है इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी की पूरी उम्मीद लगा के बैठा हूं कि अभी ये क्या कहते हैं प्री बजट रैली शुरू होगी मार्केट के अंदर ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, पांचवा लॉजिक है। पांचवा लॉजिक दोस्तों क्या है? पांचवा लॉजिक ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई यहां पर अब नेक्स्ट वीक से जो है हमारे रिजल्ट अनाउंस होने शुरू हो जाते हैं। जब देखो रिजल्ट अनाउंस होने शुरू होते हैं, तो पर्टिकुलरली अभी फिर स्टॉक्स जो है ना, स्टॉक्स जो होते हैं वो आपका इंडेक्स के जो स्टॉक्स होते हैं वो क्वार्टरली शिफ्टिंग की जाती है, समझे आप? मतलब होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट जो होती है एफआईआई की, जब वो रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो वहां पर कुछ स्टॉक्स में से पैसा निकलता है, कुछ दूसरे स्टॉक्स में पैसा डलता है। वहां पर क्या होता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट किया जाता है, इंडेक्स मतलब स्टॉक मैनेजमेंट आप कह सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कह सकते हो, इंडेक्स मैनेजमेंट कह सकते हो ठीक है। तो मतलब पैसा आधे स्टॉक्स में से निकलेगा, आधे स्टॉक्स में डालेगा। तो ये काम कब होता है? जब भी हमारे रिजल्ट अनाउंस होने वाले होते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी मार्केट नहीं गिरती, याद रखिएगा, कभी भी मार्केट छोटे मोटे एक आधा दिन आ सकता है, ऊपर नीचे मार्केट कर सकता है, लेकिन एक मंथली ट्रेंड अगर हम पकड़ के चलेंगे तो वहां पर मार्केट नहीं गिरती ठीक है। तो ये आपके लिए पांचवा लॉजिक हो गया। छठा लॉजिक हम पकड़ के चलते हैं, हमारी ऑप्शन चेन। देखिए फ्यूचर्स की पोजीशन हम चेक कर चुके हैं, अब हमें ऑप्शंस की पोजीशन चेक करनी पड़ेंगी। तो यहां पर ऑप्शंस के अंदर क्या हो रहा है, यहां से समझिएगा, हम मंथ एंड की ऑप्शन चेन को पकड़ के अगर चलते हैं तो वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत लर्निंग वाला वीडियो होने वाला है ये वाला ठीक है। किस तरीके से मैं
मार्केट को देखता हूँ क्या क्या लॉजिक्स रहते हैं, तो वो शायद आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए यहाँ पे 28 जनवरी की ऑप्शन से मैंने खोली, यहाँ पे समझिएगा यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पर हो क्या रहा है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, पुट साइड के अंदर चेक कीजिए यहाँ पे फटाफट से। 13,000 के ऊपर 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 12,500 के ऊपर 25 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट है, 12,000 के ऊपर भी ओपन इंटरेस्ट 22 लाख का है। लेकिन आप जरा ये पता लगाएं कि यहाँ पर इतना ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम है क्या? LTP जो यानी कि जो प्रीमियम है कितना है, यानी कि ये 4 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, ये 9 रुपए का प्रीमियम है। अभी पूरा महीना पड़ा है और इतनी पोजिशन यहाँ पे क्रिएट की गई हैं, ये मात्र 25 रुपए का प्रीमियम है, 25 रुपीज का प्रीमियम है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, 13,500 के ऊपर भी मात्र 73 रुपीज का प्रीमियम है, और ये मंथ एंड का प्रीमियम है, याद रखिएगा मंथ एंड का प्रीमियम है। और यहाँ पर भी अच्छी खासी पोजिशन हैं जो कि है 22 लाख। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सेलिंग तो नहीं हो रही है, कोई बड़े प्लेयर 1 या 2 रुपए के प्रीमियम के लिए तो सेल नहीं करते हैं, ये क्या हो रहा है, ये पुट बाइंग हो रहा है, ठीक है। पुट बाइंग होता है क्या, एक बेरिश पोजीशंस होती है, लेकिन क्या ये रियल पोजीशंस हैं या फिर हेज वाली पोजीशंस हैं, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको पता लगेगा फोर डायरेक्शनल एनालिसिस करके। फोर डायरेक्शनल एनालिसिस करके, देखिए अगर फोर डायरेक्शनल एनालिसिस आपको नहीं पता ऑप्शन चेन कैसे काम करती है फोर डायरेक्शनल एनालिसिस के अंदर, तो आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, तो प्लेलिस्ट के अंदर ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट बनी मिलेगी आपको। इस ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तब आपको दिखेगी क्या, एक वीडियो दिखेगी जो फोर डायरेक्शनल एनालिसिस बताएगी। फोर डायरेक्शनल एनालिसिस में क्या होता है कि आपको दिख जाएगा यहाँ पे पुट बाइंग हो रही है, लेकिन उसको क्या, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है एट द मनी के ऊपर, या फिर आपका थोड़ा इन द मनी के ऊपर क्या कॉल राइटिंग हो रही है? जी हाँ, नहीं हो रही, देख सकते हो आप यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, पूरा नेगेटिव में डाटा है। एक्चुअली 14,200 के ऊपर एट द मनी के ऊपर भी यहाँ पर नेगेटिव में ही डाटा है। तो यानी कि ये जो पुट बाइंग हो रही है, दीज ऑल आर हेज पोजीशंस एंड दीज ऑल आर नॉट द रियल पोजीशंस, ठीक है। अब यहां पर आप खुद चेक कर सकते हो, ये सपोर्टिव नहीं कर रहे हैं पुट बाइंग को, यानी कि पुट बाइंग हो तो रही है लेकिन यहां पर पुट बाइंग जो हो रही है ना, वो केवल और केवल रियल पोजीशंस नहीं है, हेज पोजीशंस है। फोर डायरेक्शनल एनालिसिस वाली वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब चेक करते हैं कि अगर यहां पर ये हेज पोजीशंस हैं तो मार्केट जाना कहां चाहता है, यहां से समझते हैं। तो 14,000 के ऊपर फिलहाल अभी मैक्स पेन पॉइंट खड़ा है, ठीक है, 14,000 के ऊपर मैक्स पेन पॉइंट खड़ा है। इसको मैक्स पेन पॉइंट कैसे काउंट करते हैं, टोटल ओआई प्लस टोटल ओआई, यानी कि 41 लाख पोजीशंस हैं मंथ एंड के अंदर, जो कि अभी मैक्स पेन पॉइंट 14,000 पे खड़ा है। और मार्केट कहाँ खड़ी है, मार्केट खड़ी है स्पॉट जो खड़ा है मार्केट का, वो 14,000 के ऊपर खड़ा है, मैक्स पेन पॉइंट के ऊपर खड़ा है। तो यानी कि इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि मार्केट का ट्रेंड है, यानी कि 14,000 जो है मार्केट के लिए अब इस महीने के लिए एक सपोर्ट का काम डेफिनेटली करने वाला है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके नीचे हेज पोजीशन से हम चेक कर चुके हैं, और अब चेक करना है अपने को कि रियल पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है मंथ एंड तक। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, कॉल साइड का इन द मनी पे कॉल अनवाइंडिंग हो रही थी, ठीक है, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है इसीलिए। अब यहां पर इन द मनी के अंदर आप चेक करेंगे तो धीरे धीरे पुट राइटिंग चालू हो चुकी है, और इन द मनी के अंदर पुट राइटिंग करना मतलब बहुत रिस्की वाला काम होता है, क्योंकि हाईवे प्रीमियम के ऊपर कोई पुट बाइंग कर रहा है तो इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट को वो ऊपर रख पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम जो है वो भी बहुत धीरे, छोटा छोटा वॉल्यूम है, तो यानी कि बड़ा प्लेयर एक्टिविटी कर रहा है। देखिए 72,000 की फ्रेश पोजिशन आज के दिन 14,500 के ऊपर पुट राइटिंग की गई है, ठीक है। और आप चेक कर सकते हो 13,000-14,300 के ऊपर पुट राइटिंग की गई है, इन द मनी के अंदर पुट राइटिंग कर रहा है कोई। और आप इसके अगेंस्ट में आप चेक कर सकते हो कि 96,000 और 63,000 की 14,400 के ऊपर और 14,600 के ऊपर डेफिनेटली एक अच्छा क्या कहते हैं कॉल बाइंग भी हो रही है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई कॉल बाइंग या पुट बाइंग कैसे हम देखते हैं, तो उसके लिए आप मेरी ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। तो यानी कि यहां पर सिंपल सी बात है,
कि पुट बाइंग चल रही है इंदा मनी के अंदर, और कम से कम 13-14 हजार 500 के ऊपर, 13 हजार का, 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 13 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट है 15 हजार के आसपास भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 14,500 से लेके 15,000 के बीच में मार्केट जरूर आ सकता है मंथ एंड तक, और कहीं ना कहीं 15,000 तक का भी मुझे टारगेट ऐसा लगता है निफ्टी का। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा लॉजिक। इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी को भी तलाश कर लेते हैं। सारी की सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं, वो कंडीशन जो बाकी दूसरी हैं, वो सब वैसी की वैसी ही रहेंगी। बैंक निफ्टी को तलाश कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बताती है आप खुद चेक कर सकते हो। मैक्स पेन पॉइंट जो है बैंक निफ्टी का, वो कहाँ पर है फिलहाल, वो है 32,000 के ऊपर, 32,000 के ऊपर। दोस्तों बस यही एक हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ये हर्डल क्रॉस कर जाए, और मुझे लगता है कि इस हफ्ते में क्रॉस कर भी जाएगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर भी दिया है, 32,000 का ये एक हर्डल है जो कि मैक्स पेन पॉइंट। अगर इसको क्रॉस करके ऊपर खड़ा हो जाता है मार्केट, डेफिनेटली फिर अगला टारगेट 32,500, और मुझे 7,80,000 तो नहीं, सॉरी यहाँ पर 28 तारीख का देखना पड़ेगा। आई होप आई एम नॉट वॉचिंग द 28 जैन, सॉरी माफ कीजिएगा, करेक्शन कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि यहां पर जो आउट ऑफ द मनी पे एक्टिविटी चल रही है 22,000, यानी कि 32,500 के ऊपर एक्टिविटी चल रही है, और आपकी इतनी ही एक्टिविटी आपका 33,500 के ऊपर चल रही है। लेकिन इन द मनी की पुट राइटिंग कहाँ चल रही है आपकी, 32,500, यानी कि 32,500 जो है कम से कम बैंक निफ्टी इस मंथ के एंड तक आएगा, ऑप्शन चेन ऐसा ही बता रही है। और 32,500 अगर बैंक निफ्टी आएगा, कम से कम 1200 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में शायद बची है इस मंथ की, चेक कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक कहाँ खड़ा है, हाँ बिल्कुल, तो 32,500 के ऊपर भी पोजीशंस बन रही हैं, हमको चेक करना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि हैवी पोजीशंस, एक से ज्यादा पोजीशंस हैवी तो आपकी यहां पर बनी हुई है 33,000 के ऊपर। तो डेफिनेटली 33,000 के ऊपर भी मार्केट जा सकता है, यानी कि 1200 पॉइंट की रैली आपकी कहाँ बची हुई है, कम से कम बैंक निफ्टी में बची हुई है इस मंथ के अंदर। निफ्टी के अंदर कितनी बची हुई रैली, कम से कम 800 पॉइंट की रैली बची हुई है, क्योंकि 14,200 के ऊपर मार्केट ने यहां पर बनाया है आज का क्लोज। तो दोस्तों समझ में आए होंगे आपको सारे लॉजिक, टारगेट आपको मिल गए होंगे, सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। जिसको अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और एनरोलमेंट करना मत भूलिएगा, जो कि 9 जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। ये तो केवल और केवल एक छोटा सा ट्रेलर है, जो आपको पता, मतलब पता ही है कि मैं इस तरीके से एनालिसिस करता हूँ। आपको प्रॉपर डीप बाल की खाल निकालना सिखाया जाएगा केवल और केवल कोर्सेज के अंदर। एनरोल कर सकते हो, 11,000 की फीस है। 11,000 इज इन्वेस्टमेंट टू लर्न द स्टॉक मार्केट, जो कि आपको पूरे जिंदगी भर काम आएगी। आई होप आप ज्वाइन जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।